मीना विजय कुमार अपने पति से कहती हैं, आपकी सर्विस को 8 साल बचे हैं, भले ही वीरप्पन को पकड़ने में सारा वक्त लग जाए पर फिक्र मत करिएगा। उनके पति के विजय कुमार ने उन्हें छेड़ते हुए पूछा, वैसे इस भरोसे के लिए शुक्रिया, पर क्या आपको लगता है कि मुझे वीरप्पन को पकड़ने में 8 साल लगेंगे। मीना फिर कहती हैं, घर में आपको आपकी स्लीपर तो आसानी से मिलती नहीं है, वीरप्पन मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। शायद आपको इस बातचीत से अंदाजा लग गया होगा कि के विजय कुमार और मीना विजय कुमार किसकी बात कर रहे थे। वीरप्पन, पूरा नाम मुनिस्वामी वीरप्पन, 18 जनवरी 1952 को कर्नाटका मैसूर जिले के गोपीनाथम गांव में पैदा हुआ एक चंदन तस्कर। वो तस्कर जिसने 44 पुलिस वालों, 100 से ज्यादा सिविलियंस को मारा होगा। वीरप्पन को खत्म करने में तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के 100 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आपने एक नाम सुना होगा, पाब्लो एस्कोबार, कोलंबिया का एक ड्रग माफिया जिसका नेटवर्क अमेरिका के सदर्न स्टेट्स तक फैल चुका था। स्टीफन मर्फी और जेवियर पेना US के इन दो सिविल सर्वेंट्स को कई बार इस बात का दुख होता है कि जिन दो ऑफिसर्स ने नशे के सबसे बड़े माफिया को खत्म कर दिया, दुनिया के बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना है। पर आज स्टडी IQ इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि इस वीडियो में आप वीरप्पन से ज्यादा उसे पकड़ने वाले ऑफिसर के विजय कुमार और उनकी पत्नी मीना और बाकी ऑफिसर्स के नाम जरूर याद रखें। आप ये भी जानेंगे कि इस तस्कर ने कभी तमिल सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत को अगवा करने का भी सोचा था, लेकिन फिर एक दूसरे कन्नड़ स्टार को किडनैप किया। के विजय कुमार साहब की लिखी किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अपने 4 भाई बहनों में वीरप्पन दूसरा था। साउथ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी। कावेरी वीरप्पन के गांव गोपीनाथम के पास स्टैनली रिजर्वायर बनाते हुए तमिलनाडु में एंटर करती थी। रिजर्वायर पर मटूर डैम बन जाने के बाद बहुत सारी पॉपुलेशन गोपीनाथम में आकर बस गई। 1956 में जब राज्य लैंग्वेज के बेसिस पर रिकॉग्नाइज हुए तो फिर गोपीनाथम कर्नाटक में आ गया। वो एरिया थोड़ा जंगली है, इसलिए लोकल लोग बिना लाइसेंस वाली छोटी बंदूकें रखा करते थे। कुछ का मोटिव भालुओं से बचने का था, लेकिन ज़्यादातर इन बंदूकों का इस्तेमाल दूसरे गलत कामों के लिए किया करते थे। पुलिस बार बार रेड करती और ऐसे हथियारों को कई बार जब्त करती थी। वीरप्पन भी इनसे अछूता नहीं था और 10 साल की उम्र तक आते आते वो एक शार्प शूटर बन चुका था। एक लोकल पोचर सेवी गाउंडर ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। विजय कुमार साहब लिखते हैं कि वीरप्पन कोई रॉबिनहुड नहीं था। अगर कहीं लोग जॉबलेस हैं तो उन्हें गैंग में शामिल कर तस्करी कराने को रोजगार नहीं कहते हैं। उन इलाकों में चंदन के पेड़ों की भरमार है और वीरप्पन ने सैंडलवुड और जानवरों के बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग से पैसे बनाए। गांव के बहुत ही कम लोग उसकी इल्लीगल एक्टिविटीज का सपोर्ट करते थे और उतने लोग पुलिस से आगाह करने के लिए काफी थे। एक बार वीरप्पन ने इलाके के सारे लोकल स्मगलर्स और पोचर्स को दावत पर बुलाया, अपने आदमियों से ये संदेश भिजवाया कि वीरप्पन भी निहत्ता होगा, जंगलों के बीच एक जगह होगी और पोचिंग स्मगलिंग को लेकर आपस में ही कुछ डील्स होंगी। खाने के बीच में वीरप्पन ने सारे गैंग लीडर्स को एक एक पान वाली सुपारी ऑफर की, जबकि ये वहां झाड़ियों में छिपे उसके आदमियों को गोली चलाने का इशारा था। एक एक करके सारे लोकल गैंगस्टर्स मारे गए और इसके बाद वीरप्पन पूरे इलाकों का स्मगलर हो गया। 1986 में बेंगलुरु के एक इल्लीगल आर्म्स डीलर से उसकी असलहे और उनकी कीमत को लेकर झड़प हो गई। उस आर्म्स डीलर ने पुलिस को सारी जानकारी दे दी और एक रेस्टोरेंट से वीरप्पन को अरेस्ट कर लिया गया। इस कैप्टिविटी के दौरान उसे कुछ वक्त तक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक ऑनेस्ट और ड्यूटीफुल ऑफिसर डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पी श्रीनिवास के अंडर रखा गया, जिसे बूदीपडागा के जंगल के एक गेस्ट हाउस में रुकना हुआ। श्रीनिवास को एक दूसरे ऑफिशियल काम से कुछ वक्त के लिए कहीं जाना पड़ा और उन्होंने वीरप्पन की जिम्मेदारी अपने 2 गार्ड्स को सौंपी। वीरप्पन ने सरदर्द का बहाना करके उन गार्ड्स से थोड़ा तेल मांगा, जो उसे एक गार्ड ने लाके दिया। तस्वीरों से आपने ये तो जान लिया होगा कि वीरप्पन कोई मोटा आदमी नहीं था। उसने उस तेल का इस्तेमाल कर हथकड़ियों से अपने हाथ निकाल लिए और वहां से भाग गया। फिर लोकल मुखबिरों की मदद से पकड़ने के लिए श्रीनिवास उसके गांव गोपीनाथम वापस आए। वहां उन्होंने गांव वालों के लिए मेडिकल कैंप्स लगवाए,
मंदिर बनवाए और कुछ सुधार के काम भी किए। 800 किलो से ज्यादा के सैंडलवुड्स को श्रीनिवास ने जब्त किया और वीरप्पन के 20 आदमियों को सरेंडर करवाया। वीरप्पन के भाई अर्जुनन को कहा कि वो वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए कहें। वीरप्पन श्रीनिवास के सुधार कामों से डरा हुआ था। उसने अपने भाई से कहा कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। उसने शर्त रखी कि गोपीनाथम से 2.5 घंटे की दूरी पर एक जगह नामदेली में वो सरेंडर करेगा। कुछ गांव वालों और अर्जुनन के साथ श्रीनिवास निकल पड़े। सरेंडर वाली जगह के आने से कुछ ही दूर पहले एक एक करके सारे गांव वाले गायब हो गए और झाड़ियों में से वीरप्पन बाहर आया। जब तक श्रीनिवास अपनी पिस्टल निकालते तब तक उन्हें गोली लग चुकी थी। कर्नाटक से तमिलनाडु तक पलार नदी बहती है। उसके कई हिस्से अब सूख चुके हैं। कर्नाटक के कोलाठोर गांव के पास पलार ब्रिज पर 9 अप्रैल 1993 को पुलिस की 2 गाड़ियों पर वीरप्पन ने IED एक्सप्लोजिव्स के जरिए हमला किया। एक जीप में IPS ऑफिसर के गोपाल कृष्णन थे और एक बस जिसमें 41 जवान, एक कतार में प्लांट किए गए 14 IED ब्लास्ट से 5 पुलिसमैन और 17 फॉरेस्ट गार्ड की मौत हो गई थी और 13 घायल हो गए। 1990 के दशक में वीरप्पन ने कई लोगों को अगवा किया लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। एक गैंग मेंबर ने कहा कि वीरप्पन को बड़ी इमेज के लिए किसी नामी आदमी को किडनैप करना चाहिए। एक मेंबर ने एक नाम सजेस्ट किया, MK Stalin, जो कि तमिलनाडु के फॉर्मर CM M. Karunanidhi के बेटे हैं। लेकिन उनकी टाइट सिक्योरिटी से उनके किडनैप प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। एक ने कहा रजनीकांत के बारे में क्या सोचा है, लेकिन उनका बंगला भी XCM जयललिता के बगल में ही था और इस नाते सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती, तो इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया। और आखिरी में प्लान बना सिंगनालुरु पुत्तास्वामिया मुथुराज, जिनका स्टेज नेम था राजकुमार, उनको किडनैप किया गया। राजकुमार कन्नड़ फिल्म्स के बहुत बड़े स्टार थे और दादा साहब फाल्के अवार्डी भी। 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन ने राजकुमार को उनके घर से किडनैप किया और उनकी पत्नी पर्वथामा को एक कैसेट दिया और कहा कि ये कैसेट सिर्फ SM कृष्णा, जो उस वक्त कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, उन तक पहुंचाया जाए। ऑल इंडिया रेडियो के जरिए वीरप्पन तक ये संदेश पहुंचाया गया कि राजकुमार की दवाइयां जरूरी है। वीरप्पन ने उनको छोड़ने के लिए 10 शर्तें रखी थी, जिनमें से 3 बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी। एक तो ये कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। दूसरा, 1991 के कावेरी राइट्स में मारे गए तमिलियंस को कॉम्पनसेशन दिया जाए। और तीसरा कि तमिल भाषा को एज अ सेकेंड लैंग्वेज कर्नाटका के स्कूल्स में पढ़ाया जाए। दोनों स्टेट्स में एंटी कर्नाटका और एंटी तमिल राइट्स ना हो जाएं, इसके लिए रजनीकांत ने दोनों स्टेट्स की सरकारों से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो जंगल में वीरप्पन से बात करने जा सकते हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब राजकुमार वहां से भाग निकले थे, लेकिन भागने के बाद सड़क पर पहुंचकर जिस पैसेंजर बस पर वो चढ़े, वो बस उन्हें वापस वीरप्पन के पास ही ले आई। हालांकि 108 दिनों की पूरी मशक्कत के बाद वीरप्पन ने राजकुमार को रिलीज कर दिया। सेमांधी नाम की एक हिली एरिया में वीरप्पन का फॉरेस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से बहुत ही करीबी सामना हुआ। इतना करीबी कि वीरप्पन ये कहने लगा था, गोविंदा गोविंदा, इन्होंने मुझे देख लिया है, अब क्या करूं। लेकिन ये वीरप्पन का नसीब ही था जो उस वक्त वो वहां से बच निकला। अगस्त 2002 में कर्नाटका के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मिनिस्टर की हत्या के बाद कर्नाटका सरकार ने उस पर 5 करोड़ का इनाम रख दिया। अक्टूबर 2001 में के विजय कुमार साहब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के IG ऑपरेशंस थे। उस वक्त वो सीनियर ऑफिसर की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे जब एक BSF का जवान उनके पास फोन लेकर आया। फोन पर तमिलनाडु की रिसेंटली इलेक्टेड CM JJ Lalita थी और विजय कुमार को वीरप्पन को पकड़ने के लिए STF का चीफ अपॉइंट किया। सत्यमंगलम, जिसे तमिलनाडु में सैथी भी कहते हैं, वहीं पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का हेडक्वार्टर है। विजय कुमार साहब ने यह तय कर लिया था कि जब तक वीरप्पन को न्यूट्रलाइज नहीं कर देंगे तब तक सत्यमंगलम यानी STF के हेडक्वार्टर्स में ही रहेंगे। के विजय कुमार ने एक ऑफिसर को स्पेशली वीरप्पन को खत्म करने के लिए बुलाया, जिनका नाम था NK Senthamarai Kannan, जिन्हें STF के लोग कनन बुलाते थे। कनन 1987 बैच के IPS ऑफिसर थे। विजय कुमार और कनन ने मिलकर वीरप्पन को न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन कोकून प्लांट किया। US आर्मी की ग्रीन बेरेट्स और क्यूबन मिलिट्री लीडर जनरल एल्बर्टो बायो के तरीके से इंस्पायर होकर कई छोटी छोटी टीम्स बनाई, जिसमें कॉन्स्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स थे।
किसी बड़ी बटालियन के बजाय छोटी छोटी सिपाहियों की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया। और इनका मकसद ये था कि इन छोटी टुकड़ियों से वीरप्पन को ये लगेगा कि ये बस एक रूटीन पेट्रोल है और वीरप्पन आराम में रहेगा। इनंडेशन का मतलब है एक फ्लड या किसी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जो इस ऑपरेशन का नाम था। छोटे ट्रूप से वीरप्पन के मुखबिर उसके पास इतनी ज्यादा इंटेल लेकर जाने लगे कि उसे ये एक रूटीन लगने लगा। और इन सारे छोटे ग्रुप्स के पास बेस्ट पॉसिबल गियर से लेकर नाइट विजन डिवाइसेस जैसे सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स थे। एसटीएफ के सारे लोगों को आग पर पट्टी बांधकर अंधेरे में चलने और आवाज पहचानने की ट्रेनिंग को और बेटर किया गया। जंगल वीरप्पन का गढ़ था तो उसे उसी के तरीके से हराया जा सकता था। इसके साथ ही कनन और विजय कुमार ने फोर्स के लोगों से कहा कि अगर गांव वालों को दोस्त नहीं बना सकते हो तो उन्हें नाराज भी मत करो, वो एक पोटेंशियल इन्फॉर्मर बन सकते हैं। दोनों ऑफिसर्स ने उन लोगों से ज्यादा बातें की जिनके किसी अपने को वीरप्पन ने मारा था। एक ऑफिसर की रिटायरमेंट में हुई बातचीत में उसी ऑफिसर ने विजय कुमार से एक सवाल किया और उन्होंने जवाब भी दिया। सर, आपको पता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं? वीरप्पन एक मगरमच्छ है और जंगल उसका पानी है। हम उसे पानी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमें उसे बाहर लाना चाहिए। उसकी पत्नी सलेम में रहती है और वो कई सालों से अपनी बेटी से भी नहीं मिला है। वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी से उसे दो बेटियां हुई थी। वीरप्पन को अपनी मूछों में रंग लगाते वक्त डाई की कुछ छींटे उसके बाईं आंख में चले गए थे। प्लान ये बनाया गया कि वीरप्पन को आंखों के इलाज के लिए जंगल से बाहर लाया जाए और उसको उसकी बेटी की याद दिलाई जाए। चाय के एक बागान में विजय कुमार और कनन ने ये सारा प्लान बनाया। चाय के बागानों से उन्हें अमेरिका की 1773 में घटी बोस्टन टी पार्टी का इंसिडेंट याद आ गया और उन्होंने ऑपरेशन के इस हिस्से का यही नाम रख दिया। प्लान था कि डीएसपी अशोक कुमार मुथुलक्ष्मी को हमेशा सेफ्टी की सिक्योरिटी वर्बली देते रहेंगे ताकि वो उसको डिकॉय कर सके। एक लेडी कांस्टेबल राम्या अंडरकवर लोकल रेसिडेंट बनी जिसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी और मुथुलक्ष्मी और उसकी बेटी को राम्या के यहाँ पर सेफ रखने की दिखावट की जाए। दो दिन तक एक दिखावटी गश्त एसटीएफ ने इलाके में लगाई जिससे मुथुलक्ष्मी को लगे कि वो उसे अरेस्ट करने आए हैं। फिर अशोक कुमार सेफ्टी की गारंटी देते हुए राम्या के यहाँ पर उसे ठहरने को कहते हैं। मुथुलक्ष्मी की नज़र में राम्या एक लोकल थी। फिर कुछ दिनों के बाद राम्या ने मुथुलक्ष्मी से कहा कि वो एसटीएफ से बचते हुए वीरप्पन की आंख का इलाज करा सकती है और उसे अपनी बेटी से मिलना चाहिए। एक मारुति ओमनी को एम्बुलेंस की शक्ल दिया गया और एम्बुलेंस को कोकून नाम दिया गया जिस पर इस पूरे ऑपरेशन का नाम पड़ा। एसटीएफ के दो ऑफिसर्स सर्वनन और वेल्लादुराई ने ड्राइवर और एम्बुलेंस हेल्पर का अंडरकवर लिया। इस बात का हर वक्त एक खतरा था कि अगर वीरप्पन को जरा सी भी भनक लगी तो ये दोनों ऑफिसर्स को मार देगा। धर्मापुरी गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ी नाम की जगह पर एक स्कूल पर आकर एम्बुलेंस कोकून रुक गई। वीरप्पन और उसके तीन और साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके रिटेलिएशन में एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग शुरू की और 338 बुलेट्स के फायर करने के बाद एम्बुलेंस से कोई और फायरिंग नहीं हुई। वीरप्पन को तीन गोलियां लगी थी। एम्बुलेंस के रुकने के बाद सर्वनन और दुराई को गाड़ी से कूदकर बहुत तेजी से स्कूल की तरफ भागना था वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता था। विजय कुमार कहते हैं कि उस दिन मानो वो दोनों उसैन बोल्ट की तरह भागे थे। के विजय कुमार का पूरा साथ देने के लिए उनकी पत्नी मीना उनके साथ सैथी में रहने आ गईं। जिस दिन ऑपरेशन कोकून को एग्जीक्यूट करना था उस दिन विजय अपने रोजाना के घरेलू काम में भी कई चीजें भूल रहे थे। उस सुबह मीना के साथ कॉफी खत्म करने के बाद उन्होंने मीना से कहा थैंक यू और ये शुक्रिया उन्होंने मीना की कॉफी से भी ज्यादा पूरी जिंदगी के लिए कहा था। के विजय कुमार आज भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एज अ सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा किस्सा वीरप्पन को पकड़ने का और उसको मारने का। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ अंत में आपको एक बुक का रिकमेंडेशन भी है जो इसी कहानी को एक खूबसूरत तरीके से बतलाती है। इसका नाम है वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड।